Today we will discuss the next topic in epidemiology. In last lecture we discussed the definition, introduction of epidemiology, uses of epidemiology, and third hamara factors spread the communicable disease, host, agent and environmental factor jo humne discuss kiye the. Today in this lecture we discuss the common terms used in epidemiology. कि हमारे जो कॉमन टर्म्स यूज हो रही है एपिडेमियोलॉजी में वो कौन कौन सी है. इसमें फर्स्ट है हमारे जो टर्म है वो है इन्फेक्शन. कॉमनली हम लोग जो डेली रूटीन में डिस्कस करते रहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, उसके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, उसको टीबी हो गई, या उसके बॉडी में जो इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है उससे उसको कैंसर हो सकता है. जो डेली हम लोग जो इन्फेक्शन वर्ड है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं. अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द इन्फेक्शन, उसका मीनिंग क्या है इन्फेक्शन का. जब हमारी बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री हो जाती है, एंट्री एंड डेवलपमेंट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स एंड इन और एंड द बॉडी ऑफ द मैन. जब भी हमारे कोई ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाती है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बॉडी में एंटर करने के बाद उसमें मल्टीप्लीकेशन करता है, ग्रोथ करता है, अपनी डेवलपमेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिससे क्या हमारी बॉडी में ह्यूमन बीइंग की बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होने लग जाता है. वो इन्फेक्शन का एक डिजीज की फॉर्म ले लेता है, उसका एक जो है डिजीज बन जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं इन्फेक्शन. इन्फेक्शन क्या है, ह्यूमन बॉडी ह्यूमन के अंदर की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटर करने के बाद उसकी बॉडी में क्या है, ग्रोथ होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा डिजीज. दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन. सेकेंड है हमारा जो है सेकेंड डेफिनेशन हुआ इंक्यूबेशन पीरियड. सेकेंड है जो है वो है इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड में हमारे पास है, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि कोई भी डिजीज होने के लिए उसके पास एक टाइम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एजेंट इन टू द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड फर्स्ट साइन अपेयर इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. मान लो कि जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते कोरोना के, कि पेशेंट किसी कोई पेशेंट है उसकी बॉडी में कोरोना वायरस ने एंटर कर दिया. अब एंटर करने और जब तक उसको फर्स्ट साइन नहीं अपेयर हो जाता, जब तक उसको ये नहीं फील होगा, उसको फीवर, खांसी, कोल्ड या मैं ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, जब तक उसको कोई भी इनमें से एक साइन अपेयर नहीं होता, उस टाइम के बिटवीन का जो टाइम है वो है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करने का, एंटर जब किया उससे लेकर जब तक जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कोई फर्स्ट साइन हमें अपेयर नहीं होता कि उसको ये डिजीज है, उसके बीच का जो टाइम है, उसके बीच का इंटरवल है जो, वो हमारा होता है इंक्यूबेशन पीरियड. अब जैसे हम बोल देते कि 14 डेज का जो कोरोना वायरस है वो 14 डेज में डेवलप होते हैं, उसका वो क्या एक इंक्यूबेशन पीरियड है कि 14 दिनों में उसके साइन एंड सिम्टम्स हमें पता चलेंगे अगर किसी की बॉडी में वो एंटर कर जाएगा. थर्ड है जो हमारे जो डेफिनेशन है वो है इन्फेक्टियस एजेंट. जो हमारे इन्फेक्टिंग एजेंट है इसमें क्या है, एजेंट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्फेक्शन अंडर द फेवरेबल कंडीशन. कि कोई वायरस हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाता है, कि वो डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेबल है या नहीं, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो डिजीज प्रोड्यूस कर सके. वो डिजीज कब प्रोड्यूस करेगा, अगर ह्यूमन जो होस्ट है
उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उस टाइम डिजीज होगी। और जब उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग जो है कंडीशंस है, उसका इन्वायरमेंट है, वो उसकी ग्रो करने की कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा, फिर वो डिजीज होगी। ये हमारा क्या था, इन्फेक्टियस एजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो इन्फेक्टियस एजेंट है, इसमें तीनों फैक्टर्स जरूरी हैं। एजेंट होना चाहिए, होस्ट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर होना चाहिए, जिससे जो है जो वो डिजीज है वो प्रोड्यूस कर सके, मल्टीप्लिकेशन कर सके कोई भी वायरस या बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में। वो हमारे वायरस बैक्टीरिया बन जाए, ये हमारे क्या होते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास इन्फेस्टेशन। कंटैमिनेशन
कंटेमिनेशन मीन है कि कोई प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट्स इन और अपॉन द कोई भी इन्फेक्टियस एजेंट है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, वो सरफेस पे हमारी बॉडी के सरफेस पे, फूड पे, आर्टिकल्स पे, वॉर्म्स पे, जो हमारे और ऑब्जेक्ट्स पे जैसे क्लोथ, फूड्स पे, उनमें उनके थ्रू कितने जो पेशेंट्स हैं जो उनके थ्रू कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, आर्टिकल्स फूड कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेमिनेटेड। जैसे जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, वो क्या है, उनकी जो है वो अगर कंटेमिनेटेड किसी भी पर्सन के डिस्चार्ज में से आती हैं तो वो हमारे फूड या फिर हमारे फ्रूट्स के ऊपर जो जब बैठ जाती हैं तो वो वायरस और बैक्टीरिया वहीं पर छोड़ जाते हैं, जिससे जो होता है वो हमारा फूड और वायरस आर्टिकल्स वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। अगर हम लोग उनको बिना वॉश किए ऐसे फूड और फ्रूट्स और फूड को हम लोग ईट कर लेते हैं तो वो हमारे जो है वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चले जाते हैं, जिससे वो इन्फेक्टियस एजेंट है वो भी हमारी बॉडी में चले जाएगा और हमारी बॉडी में जाकर डिजीज प्रोड्यूस करेगा, वो है कंटेमिनेशन। नेक्स्ट है नाइन्थ है कंटेजियस डिजीज। नाइन्थ है हमारे पास कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस जो डिजीज है वो क्या होता है, ए डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट। जो डिजीज हमें किसी के कॉन्टैक्ट में आने से हो जाए वो हमारे क्या कंटेजियस डिजीज, जैसे स्कैबीज या फिर प्लेग, ये हमारे क्या कंटेजियस डिजीजेज है। अगर हम इनसे जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये डिजीज हमें भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज क्या, जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में हो जाती है, वन पर्सन से स्प्रेड अनदर पर्सन में जो है कॉन्टेक्ट में आने से वो डिजीज उसको हो सकती है, वो है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेज है उसमें हमारे पास कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा हो गया या हमारे पास एड्स हो गई, ये हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेज में है। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हमारे वन पर्सन से अनदर पर्सन में ये डिजीज नहीं होती, ये डिजीज पर्सन में पेशेंट में होती है उसकी खुद की डेफिशिएंसी से, उसके खुद की जो ह्यूमन बॉडी की अबनॉर्मेलिटी से। ये डिजीज कोई ये नहीं है कि हम लोग किसी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हमें ये डिजीज हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल में जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास डायबिटीज, हमने पहले स्टडी भी किया था कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की चैप्टर्स। नॉन कम्युनिकेबल में हमारे पास आ जाता है कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ब्लाइंडनेस, ये हमारी क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है एपिडेमिक। नेक्स्ट है हमारे पास एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या कि सडनली आउटब्रेक हो जाना, आउटब्रेक ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, कोई जो इन्फेक्शन डिजीज है, इन्फेक्टियस डिजीज है उसका एकदम से सडनली आउटब्रेक हो जाना, ये हमारे क्या आउटब्रेक जो हो जाते हैं दैट स्प्रेड रैपिडली थ्रू द पॉपुलेशन, ये हमारे जो जब आउटब्रेक होगा तो वो रैपिडली क्या है पॉपुलेशन में स्प्रेड होगी। जैसे कोरोना वायरस था, पहले चाइना में था, चाइना जो चीन में था उसमें क्या था कि इजिली ये एकदम से ब्रेकआउट हो गया, सडनली ब्रेकआउट हुआ और वहाँ पर जो है पर्सन्स को इन्फेक्शन हो गई और ऐसे ही वो अदर वहाँ से जो पर्सन्स आ रहे थे उनको आगे जो है
जो सिटीज है कंट्रीज है वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट होगी, वहां पर इन्फेक्शन जो है वो डिवेलप होगी एकदम से सडनली। जब कोई भी इन्फेक्टियस जो ए डिजीज है उसका आउटब्रेक हो जाता है और वो रैपिडली स्प्रेड हो जाती है पॉपुलेशन में, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। नेक्स्ट है हमारे पास जो डेफिनेशन है एंडेमिक, एंडेमिक क्या होता है कि जो इन्फेक्शन इन्फेक्शन डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज इज मोर और लेस, कि ज्यादा किस टाइम थी और कम किस टाइम थी, और उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंट इन लोकैलिटी और कम्युनिटी, कि हम लोग उसको कम्युनिटी और लोकैलिटी में कैसे उसको डिजीज से उसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं एंडेमिक। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है फोमाइट्स। में हमारे पास जो फोमाइट्स आर द जो इंटीमेट आर्टिकल्स, इन इंटीमेट आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल्स अदर देन, जैसे इसमें हमारे पास आर्टिकल्स आ सकते हैं फूड, वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर और इन्फेक्टियस जो है डिस्चार्ज पेशेंट का, वो फोमाइट्स में इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल है जैसे क्लोथ टावर्स, इसको हम लोग देखते हैं जैसे जो हमारे पास कोई भी पेशेंट है जिसको कोरोना है, तो हम COVID-19 है जिसको, तो हम क्या अगर उसके कोई भी आर्टिकल, उसका टावल, क्लोथ, उसका कुछ भी फूड वगैरह यूज करेंगे तो हमें वो डिजीज हो सकती है। वो हमारे पास जो इन्फेक्टिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है वो हमारे बॉडी में भी जा सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। इस तरह अगर हम लोग कंटेमिनेटेड वाटर यूज करेंगे तो उससे क्या है, पेशेंट जो हमारे ह्यूमन बींग्स उनको हेपेटाइटिस हो सकती है। अगर कंटेमिनेटेड फूड यूज करता है कोई ह्यूमन बींग तो उसको डायरिया, डायसेंट्री प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है उसकी बॉडी में। ये थे हमारे जो एग्जाम्पल, ये थे हमारे जो डेफिनेशन फोमाइट। नेक्स्ट है होस्ट, में डिस्कस किया था कि होस्ट क्या होता है। होस्ट क्या है, मैन, एनिमल और आर्थ्रोपोड जो एनिमल्स हैं हमारे, विच अलाउ एंड डेवलप ऑफ एन इन्फेक्टियस एजेंट्स इन द बॉडी, कि जो मैन, ह्यूमन बीइंग, मैन, एनिमल्स या आर्थ्रोपोड्स हैं जो, वो जो भी हमारे जो अपनी बॉडी में इन्फेक्टियस जो एजेंट्स हैं उसको डेवलप होने देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं होस्ट। ये इफेक्ट किस में करते हैं, जिनका जो इम्यून सिस्टम है वीक होता है उन्हें उसी होस्ट पे जो हमारे वायरसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अटैक करेंगे। नेक्स्ट है 16, हमारी डेफिनेशन है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में हमारे पास कि जो हमारे पास डिजीज है इट इज प्रोड्यूसर ऑफ रिपोर्टिंग बाय अर्लीस्ट एंड क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम अबाउट द अकरेंस ऑफ द टू नोटिफाई, जैसे एग्जांपल है टेटनस या फिर सॉरी टेटनस नहीं, टाइफाइड, डायसेंट्री, डायरिया, कलरा। जब ये डिजीज होती है तो इस डिजीज का जब जो मौसम है, सीजन है, जब जिस सीजन में ये डिजीज होती है तो उससे पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है कि ये डिजीज हो सकती है, इनको प्रिवेंट करने के लिए जो अर्लीस्ट और क्विकेस्ट जो पॉसिबल टाइम है उसमें हम लोग इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कि पेशेंट्स को मेडिसिन देकर उनको या उनको फिर गाइडलाइन देकर
हम लोग ये डिजीज है जो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या जो नोटिफिकेशन है, इट इज प्रोड्यूसर ऑफ रिपोर्टिंग बाय अर्लीस्ट एंड क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम अबाउट द अकरेंस ऑफ द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटिफाई एबल डिजीज नोटिफिकेशन डिजीज आर टाइफाइड कैलरा एंड मरवस है डायरिया। कि जैसे समर है, समर में ज्यादातर डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत से पेशेंट ह्यूमन बींग्स को जो टाइफाइड होने लग जाता है। तो उस कंडीशंस में क्या है कि जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट्स हैं उनसे पहले ही नोटिफिकेशन हो जाता है कि ये डिजीज इस मौसम में ज़्यादा स्प्रेड होती है तो इसके लिए हमें जो नोटिफिकेशन या उनको मेडिसिन देनी चाहिए पहले उनका जो है प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है पेंडेमिक। पेंडेमिक मीन्स एपिडेमिक का मीन्स महामारी होता है। पेंडेमिक मीन्स विश्व महामारी, जैसे एग्जांपल कोरोना। अब जो डिजीज है जो वन कंट्री से दूसरी कंट्री वर्ल्ड में पूरे होल वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाती है उनको हम लोग बोल देते हैं पेंडेमिक। कोरोना भी ऐसे था, जो कोविड 19 था वो पहले चीन से फिर वो अदर जो जहाँ पर उसके जो पेशेंट थे जो कोरोना से थे जिनको कोरोना की डिजीज थी वो पेशेंट चले गए उस कंट्रीज में एरिया में भी वो डिजीज हो गई। जैसे अमेरिका जो है, इंडिया, न्यूयॉर्क या फिर कनाडा, यहाँ पर क्या हमारे पास जो भी पेशेंट्स गए थे उसी से रिलेटेड वो आगे जो डिजीज है वो स्प्रेड होती थी उसको हम लोग बोल देते हैं पेंडेमिक। इसमें अदर एग्जांपल्स हैं पेंडेमिक में हमारे पास जैसे एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये हमारी अदर एग्जांपल्स हैं पेंडेमिक। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है डेफिनेशन है वो है स्पोरैडिक। डेली नहीं होती हमें, जो डेली हमें डिजीज नहीं होती, रेगुलरली जो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, ये हमारे पास अकर्स एट द इंटरवल इन अ सिंगल जो हमारे पास ये जो डिजीज है स्पोरैडिक है इसका मीनिंग है कि जो हमें कभी कभी डिजीज हो, कभी कभी साइलेंट सिम्टम्स किसी डिजीज के हमें पता चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरैडिक। ये डेली रूटीन में नहीं होती, रेगुलरली फॉर्म में नहीं होती, ये जो है हैपनिंग समटाइम्स सम इंटरवल्स कुछ दिनों के बाद ही हमें जो डिजीज है वो शो होते हैं इसके साइलेंट सिम्टम्स वो है हमारे स्पोरैडिक। ये थी हमारी एपिडेमिक में एपिडेमियोलॉजी की जो एपिडेमियोलॉजी में हमारे पास कॉमन टर्म्स यूज इन एपिडेमियोलॉजी 18 टर्म्स थे जो हमने डिस्कस की थी इस लेक्चर में। ये हमारी जो टर्म्स है टर्म्स का ये जो टॉपिक था कॉमन टर्म्स यूज इन एपिडेमियोलॉजी ये टॉपिक यहीं पर हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग डिजीज ट्रांसमिशन बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिजीज है वो कैसे ट्रांसमिट होती है और उसके अदर जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।